हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हरे चने की सब्जी है। इससे मार्केट में हरे बूट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं आज। ये सीजनल सब्जी है, बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से हरे चने का पौधा बाज़ार में मिल जाता है, मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। इसमें से हम छोटे छोटे चने जो लगे रहते हैं उनको छील के दाने निकाल लेंगे। इस काम में टाइम बहुत लगता है, तो आप घर के बच्चों और बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले भी दाने निकाल के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी दाने लिए हैं, बहुत फ्रेश दाने हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक कटोरी दाना लिया है, और साथ में ग्रेवी के लिए 3 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, 6-7 कली लहसुन के लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं। इनकी हम ग्रेवी बनाएंगे। चलिए गैस पे सबसे पहले पैन चढ़ाते हैं, उसमें सरसों का तेल डालते हैं। ये सब्जी हमेशा आप सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है। इसके बाद कुछ सूखे मसाले लेंगे, इनको हम फ्राई करेंगे। जैसे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल स्लो आँच पे, या फिर आप चाहें तो गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आपके घर में जो भी खड़े मसाले हों आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा फ्राई करके हम उनको निकाल लेंगे। बाद में हम इन्हें कूट के ग्रेवी में डालेंगे। जीरा तो रह जाएगा, उसको ज़रूरी नहीं है निकालना, जीरा का वैसे भी हम छौंक देते हैं। और मैंने जो 2 प्याज लिए थे उसे बारीक चॉप कर लिया था। इसके बाद प्याज को डाल देंगे उस तेल में, और धीमी आंच में उसको भूनते जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। धीमी आंच पे ही प्याज को भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर करके छोड़ दे रहे हैं। जब तक प्याज अच्छे से भुनेगी, हम सूखे हमने जो मसाले खड़े मसाले फ्राई किए थे उनको अच्छे से कूट लेंगे, बारीक कूट लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको आराम से कूट ले, बहुत अच्छे से कूट जाता है ये। आप देख सकते हैं मैंने पहले अच्छे से क्रश कर लिया, इसको और थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से भी डाल सकते हैं गरम मसाला, लेकिन मैंने इस तरह से डाला है। जब तक हमारी प्याज भी हल्की पिंक हो गई है, इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर अच्छे से चला के भून लेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखें, मसाले जले ना। इसके बाद हम अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है। इसके बाद हमने जो 3 टमाटर लिए थे उसको मैंने मिक्सी जार में अच्छे से प्यूरी बना ली है, अच्छा फाइन पेस्ट बना लिया है, उसको भी डाल देंगे। और लहसुन अदरक के साथ चलाते जाएंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम टमाटर में नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। नमक डालने से टमाटर और प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे धनिया, हल्दी, रेगुलर मिर्च। मिर्च का ध्यान रखें आप, इसमें हमने हरी मिर्च भी ली है और सूखी लाल मिर्च का भी छौंक लगाया था। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। बस मसालों का ध्यान रखें आपके जले ना और अच्छे से भुन जाए। मसाला जितना अच्छा भुना रहता है ग्रेवी उतनी अच्छी बनती है, सब्जी उतनी अच्छी बनती है। थोड़ी देर फिर से इसको कवर करके रख देंगे। मैंने बिल्कुल धीमी धीमी आंच में सब्जी को बनाना है। बीच बीच में ढक्कन हटा के आप इसको चलाते जाएं, ताकि सब्जी लगे ना, साइड से भी अच्छे से चलाते जाएं।
थोड़ी देर में आप देखेंगे टमाटर में से तेल अलग होने लगा है, मसाला हमारा भुनने वाला है। थोड़ी देर से हम और भुनेंगे। ये सब्जी चावल और रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, सीजन में ज़रूर आप एक बार बनाएं। इसके बाद मसाला बिल्कुल भुन गया है, हम हरे चनों को भी डाल देंगे। हरे चने ताज़े होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इनको पकाने में टाइम नहीं लगता। थोड़ी देर चनों को भी मसालों के साथ मिक्स करके कवर करके रख देंगे अच्छे से पकने के लिए। 5 मिनट करीब ऐसे छोड़ दें मसालों के साथ चनों को। 5 मिनट बाद आप देखेंगे चने थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसके बाद आप ग्रेवी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शुरू में थोड़ा पानी डालें, बाद में ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। आप जैसी ग्रेवी पसंद करते हो, पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं पानी। जैसे हम पानी डाल देंगे उसके साथ ही हमने जो के रखे थे पहले से गरम मसाले को हमने कूटा था अच्छे से, बारीक किया था, उसको भी साथ में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे चनों के मसालों के साथ। इस समय आप गैस की फ्लेम तेज और मीडियम रख सकते हैं और सब्जी को हम थोड़ी देर कवर करके छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि चने और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं सब्जी के ऊपर कितना अच्छा तेल का कलर आ गया है, मसालों का कलर आ गया है। 10 मिनट बाद आप बस दबा के देख सकते हैं चने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसमें से आप एक्स्ट्रा तेज पत्ता निकाल दें, बस सब्जी तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको ढक कर रख देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एक बार ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करें। सब्जी बिल्कुल रेडी है, मैंने सर्व किया है इसको चावल के साथ और थोड़ी सी प्याज हरी मिर्च। बहुत स्पाइसी और टेस्टी सब्जी बनी है, एक बार आप ज़रूर इस सब्जी को बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।